अभी एक प्रश्न आया, कल प्रश्न पूछा था, बहुत अच्छा था, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया था कि आज टॉपिक है कि गृहस्थ में, गृहस्थ जीवन में सुख शांति कैसे हो। तो कल एक ने प्रश्न पूछा, माताजी भी ज्ञान में चलती है, पति भी चलता है, दोनों ज्ञान में चलता है, भाई जी दोनों में अशांति है, दोनों में बनती नहीं है, तो क्या करें? दोनों ज्ञान सुनते हैं, रोज मुरली सुन के भी जाते हैं, है ना, तो क्या करें? तो अगर ज्ञानी आज सुनने के बाद भी उन दोनों के अंदर घर में शांति नहीं, तो कैसे होंगी दुनिया में? तो ज्ञान से शांति नहीं मिलती, फिर मिलती है कैसे? तो उसका स्पष्टीकरण चाहिए, है ना। तो ज्ञान आपने आज मुरली सुनी, श्रीमत याद चाहिए, है ना, आपको याद चाहिए, और पति भी सुन के जाता है, हाँ उनको बिजनेस है और कुछ है, याद नहीं रहता है, घर जाने, तो दोनों एक जैसे नहीं है ना। हम चाहते उनको भी याद रहना चाहिए, ठीक है, अगर याद नहीं है, जाते गुस्सा करते हैं, कुछ बोलते हैं, नाश्ता तैयार नहीं किया और ऐसा नहीं किया, कुछ बोलते भी है, लेकिन आपको तो ज्ञान है, बाबा ने के माताओं के ऊपर ज्ञान कलश रखा है, भारत माता कहा, माता गुरु कहा, ऐसे अपने आप तो नहीं कहा ना, उनके पास ये शक्ति है, तो क्या करना चाहिए? माता घर में, माता घर की लक्ष्मी है, घर की देवी है, घर माता अगर ठीक है, घर में शांति है, वो कैसी होंगी? तो माता जी खाना बनाती है, मुरली सुनने के बाद यहां से जाने का नाश्ता तैयार करते हो, मन में ज्ञान का चिंतन हो, मैं बाबा आज नाश्ता जो बना रहे हैं बाबा आपके बच्चों के लिए, मेरे पति मेरे बच्चों के लिए नहीं, गृहस्थ मेरे थे पहले, आपके मन में जैसा अन्न वैसा उनका भी तन बनेगा ना, निरोगी शीतल तन बनेगा, अन्न से तन बनता है, जैसा आपका मन, मन में ज्ञान, खाना बनाते समय आपके मन में क्या चला पूछ लो, अगर इधर उधर की बातें चलती है तो अन्न ब्रह्मा भोजन होगा, स्वच्छ होगा नहीं, तो ये जिम्मेवारी पहले माता गुरु की है ना, माता गुरु का कैसे गुरु, भगवान ने माता के ऊपर ज्ञान कलश क्यों दिया, भारत माता क्यों कहते हैं, ऐसे अपने आप तो नहीं कहते हैं, तो वो जिम्मेवारी आपको याद रखनी है, मेरी जिम्मेवारी क्या है, सारी दुनिया मुझे गुरु मानती है, माता गुरु, माता भारत माता कहा क्यों, तो वो मुझे करके दिखाना पड़ेगा ना, ऐसे गायन नहीं होता है, कर वैसे करना पड़ेगा, वो बाबा याद दिलाता है, बच्चे आप कौन हो, साधारण माता नहीं समझना, हम भगवान के बच्चे, भगवान का नाम भारत माता, भारत में भगवान आता है, तो मुझे क्या करना है, जो रोज मुरली सुन के जाते हो तो उसका चिंतन करते रहो, विचार करो, याद करो, गलत तरीका बताया था, तो घर में खाना जाके नाश्ता तो तैयार करते हो, नाश्ता तैयार करते करते सोचो बाबा आपके लिए बना रहे हो, आपके लिए क्या बना हो आज, बाबा आप कहते हो गुस्सा नहीं करो, देनदारी को याद नहीं करो और कुछ नहीं करो, तो वो विचार करते करो, फिर पति को बच्चों को खाना खिलाते हो ना कि नहीं खिलाते हो, हाथ से खिलाते हो, तो पति है मुरली सुन के भी आया, बच्चे भी है, सभी लोग ज्ञान में चलते हैं, तो अगर नहीं चलते भी है, दोनों हैं, चलते हो या नहीं चलते भी, तो आप जब खाना खिलाते हो, शिव बाबा ये आपका बच्चा है, आज मुझे आपने कहा कि गुस्सा नहीं करो, इस बच्चे को भी आप समझाओ, इसको भी शक्ति दो, मन में उनके प्रति शुभ विचार, ये मुरली का शुभ विचार, शुभ विचार कहते हैं हम, क्या शुभ विचार, मुरली के पॉइंट याद करते करते हाथ से शरीर को खाना खिला रहे हो, मन आत्मा को खाना खिला रहा है, मन को दे रहा है, एक साथ दोनों काम हो गया, तन की और मन की, संभव है, सोचो हो सकता है कि खाना खाना खिलाते खिलाते और कुछ बताना चाहिए, आज सब्जी नहीं लाया, आज ये नहीं किया, आपने ऐसा किया, ये बोलना चाहिए, सोचो आप, तन और मन शीतल स्वच्छ होना चाहिए, निरोगी काया होना चाहिए, कौन करेगा, माता डॉक्टर माता गुरु करेंगे ना,
तो खाना बनाते समय किस स्मृति में खाना बना रहे हो? बाबा की याद कहते हैं। बाबा की याद का अर्थ क्या है? बाबा आज आपने मुझे क्या कहा था, आज की मुरली की याद आना चाहिए। फिर खाना जब खिलाते हो मुख से बोलना नहीं, मुख साइलेंट, मन से मन को, हाथों से काम करते हो, हाथों से खाने खिलाओ जरूर, लेकिन मन में ये याद रखो, मन में ज्ञान का चिंतन, बाबा आज मुझे आपने ये मुरली के पॉइंट बढ़ाया। ये भी बाप का बच्चा मुरली सुन के आया, लेकिन याद हो या न हो आप फिर से सुनाओ, याद दिलाओ, मुख से नहीं बोलना। मुझके बोलेंगे कहेंगे मैंने भी मुरली सुनी है, सुनना नहीं चाहेगा, मुख से बोलना नहीं है ना। ऐसे पहले मन से बोलना, अगर ज्ञान में चलते हो या नहीं चलते हो, संभव है ये कि कठिन है, इसमें कोई तकलीफ है तो बताओ।